नमस्कार दोस्तों, HTML सीखने की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ इमेज टैग। ये है लेक्चर 5। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इमेज टैग इन HTML, ये इमेज टैग का ओपन टैग है। फ्रेंड्स, इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग इज यूज टू शो द इमेज ऑन द वेब पेज। इमेज टैग यूज किया जाता है इमेज को शो कराने के लिए वेब पेज पर। इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड ऑन द वेब पेज। जो इमेजेस आपके वेब पेज पर शो होती हैं वो टेक्निकली आपके पेज पर नहीं होती, ये कह सकते हैं फिजिकली आपके पेज पर नहीं होती, वो आपके पेज पर सिर्फ शो होती हैं, क्योंकि इमेज टैग क्रिएट ए इमेज होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस ऑफ इमेज। इमेज टैग क्रिएट करता है एक इमेज होल्डिंग स्पेस, आपकी इमेज का एड्रेस जो है उसको स्टोर करने के लिए। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। पहला है अल्टरनेट, यानी कि ALT। अल्टरनेट टेक्स्ट लिखने के लिए हम इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यूज टू गिव अल्टरनेट टेक्स्ट व्हेन इमेज नॉट फाउंड। जब आपकी इमेज ब्राउजर को नहीं मिलती, जिस एड्रेस पर आपने उसे बताया है कि मेरी इमेज इस एड्रेस पर रखी है और वो सर्च करता है बट इमेज नॉट फाउंड, ब्राउजर जब रीड कर लेता है, या फिर आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, आपका नेट स्लो है और आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, कोई और टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, ऐसे में ब्राउजर या आपके वेब पेज पर इमेज टैग अल्टरनेट टेक्स्ट प्रिंट करता है उस इमेज की जगह, ताकि यूज़र को पता चल सके कि यहाँ पर जो इमेज थी जो अभी नहीं आ पा रही है वो किसकी थी या किससे रिलेटेड थी। तो अल्टरनेट टेक्स्ट इस यूज में लाया जाता है। अगला है विड्थ और हाइट। विड्थ इमेज टैग की विड्थ सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हाइट इमेज टैग की हाइट सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कोई एक ही यूज करें, क्योंकि विड्थ और हाइट एक साथ यूज करने से इमेज का ओरिजिनलिटी बिगड़ जाती है। लाइक सोचिए आप 200 बाय 200 एक पिक्सल की इमेज है जिसकी विड्थ 200 है और हाइट भी 200 है, आप उसे अगर विड्थ 200 और उसकी हाइट मात्र 50 कर दें तो इमेज कैसी लगेगी। तो इसलिए आप एक ही चीज़ यूज़ कीजिए, या तो उसकी हाइट सेट कीजिए या विड्थ सेट कीजिए। अगर आप हाइट सेट करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिक उसकी विड्थ सेट कर देगा, और आप विड्थ सेट करेंगे तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगला एट्रीब्यूट है SRC, यानी कि सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये इमेज टैग का। इट टेक्स सोर्स एड्रेस ऑफ इमेज। ये इमेज का सोर्स एड्रेस कंटेन करता है कि इमेज फिजिकली कहाँ रखी है, वो एड्रेस यहाँ रखी है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इनको समझते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस ऑन कर लिया है। ये HTML का एक बेसिक सिंटैक्स है, इसमें HTML हेड स्टाइल और ये लिखा है बॉडी, और ये मैंने एक इमेज टैग पहले से लिख रखा है। इसके अंदर इमेज सोर्स के अंदर मैंने एड्रेस दिया है 1.jpg। वन फाइल का नाम है, डॉट के बाद फाइल किस टाइप की है, jpg टाइप की है, png टाइप की है या gif टाइप की है, जिस भी टाइप की वो फाइल है उसको हमको लिखना पड़ेगा, ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि ये फाइल किस टाइप की है, और फाइल का नाम हमें डॉट से पहले देना पड़ेगा। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट। फ्रेंड्स, इस एट्रीब्यूट को आप लिखो या ना लिखो, इमेज टैग काम करेगा। ये ऑप्शनल होता है। अगर आप बताना चाहते हैं यूज़र को कि भाई अगर इमेज फाउंड नहीं होती है तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इमेज थी, तो आप इसे ज़रूर दीजिए। एक अच्छी हैबिट मानी जाती है अल्टरनेट टेक्स्ट बताना। तो मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है और बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ये फाइल ऑलरेडी सेव है।
new1deepak.html के नाम से कहाँ पर सेव है दिखा देता हूँ आपको। ये फाइल है डेस्कटॉप पर सेव, ये डेस्कटॉप पर सेव है फाइल new1deepak.html के नाम से। ये देखिए टाइप है इसका HTML डॉक्यूमेंट। अब मैं इस फाइल को ओपन करने वाला हूँ गूगल क्रोम में। ये देखिए इमेज ओपन हो गई, 1.jpg टाइप से जो इमेज थी जो कहाँ रखी थी, डेस्कटॉप पे, बिल्कुल उसी फाइल के पास में, किसी और फोल्डर में नहीं रखी, इसलिए मुझे फोल्डर का पाथ नहीं देना पड़ा। मैंने उस इमेज को डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है और इस फाइल का टाइप है JPG और ये हमारी फाइल ब्राउजर पर शो हो गई। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी इसमें स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल टैग से यूज करूँगा। मैंने यूज करा इमेज, इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल, कंट्रोल एस में सेव करा और ब्राउजर पे गया एंड रिफ्रेश करा, तो ये देखिए इमेज की विड्थ 200 पिक्सल होने के साथ हाइट ऑटोमेटिक सेट हो गई और हमारी इमेज का जो ओरिजिनलिटी थी वो बिगड़ी नहीं, साइज छोटा हो गया लेकिन इमेज वैसा ही है। और अगर मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता, लाइक मैं कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हाइट सेट करता हूँ इसकी, मैंने हाइट सेट कर दी इसकी 500 पिक्सल, कंट्रोल ऐसे सेव करा, ये देखिए अभी अपनी ओरिजिनल इमेज जैसी नहीं रही क्योंकि पेंगविन रियल में इतने लंबे नहीं थे उस इमेज में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हाइट या विड्थ में से कोई एक ही चीज बताइए। तो फ्रेंड्स स्टाइल टैग के अंदर मैं इस इमेज को स्टाइल कर रहा हूँ, इससे क्या बेनिफिट है, इससे बेनिफिट ये है इस वेब पेज में जितनी भी इमेजेस होंगी, इस वेब पेज में जितनी भी इमेजेस होंगी वो सभी की सभी एक साथ स्टाइल हो जाएंगी और उन सभी की विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी। हमें बार बार हर इमेज की वो अलग से स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, एक साथ स्टाइल हो जाएंगी। और फ्रेंड्स कितना अच्छा है ये। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इस लेक्चर से पहले आपको लेक्चर 7 देख लेना चाहिए क्योंकि मैंने उसमें CSS के बारे में अच्छे से बताया है और CSS हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी बताया है, CSS को यूज करने के कितने तरीके हैं, किन किन वेज में हम CSS को यूज कर सकते हैं, ये डीपली मैंने उस लेक्चर के अंदर आप बताया है। तो अब मैं इसका बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर मैंने दिया इसका 5 पिक्सल। सबसे पहले हम देते हैं बॉर्डर की मोटाई, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए हमको, फिर बताएंगे हम बॉर्डर किस टाइप का चाहिए, सॉलिड बॉर्डर चाहिए, डैश बॉर्डर चाहिए, डॉटेड बॉर्डर चाहिए, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। तो मैं लिखूंगा सॉलिड सॉलिड एंड मुझे चाहिए ग्रीन कलर का। ओके अब देखते हैं आया नहीं आया, ये देखिए ग्रीन कलर का सॉलिड बॉर्डर इमेज के अराउंड में आ गया, मैं से ये सही से विजिबल नहीं हो रहा, रेड कर देता हूँ। ओके मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर भी बॉर्डर के साथ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। देखिए कलर रेड हो गया और बॉर्डर के जो कॉर्नर्स थे वो 20 पिक्सल राउंड हो गए हैं और ये गोल सी इमेज लगने लग गई, हल्के हल्के से कॉर्नर्स गोल हो गए हैं, शार्पनेस खत्म हो गई है कॉर्नर्स की। मैं चाहूँ तो इसको पूरा गोल कर सकता हूँ इमेज को, लेकिन इस लेक्चर के अंदर इतना काफ़ी है, आज के लिए बहुत हुआ। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कोई क्वायरी करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स मुझे बताइए अगर आपको इस वीडियो में कोई टॉपिक समझ नहीं आया, या आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वायरी है, या आप किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।